ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का रामपुरा में हुआ स्वागत। खिलचीपुर के कांग्रेस विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी खिलचीपुर से भानपुरा होते हुए रामपुरा पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवीन बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री से मांग की कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 100 रुपये बिजली बिल आता था, जबकि वर्तमान की भाजपा शिवराज सरकार ने बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है। रामपुरा सागर की बाढ़ में डूबा होने की वजह से यहां से पहले ही अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके बावजूद इसकी भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने शीशी से मांग की है कि बिजली के बिलों का मुद्दा विधानसभा में उठाकर आमजन को बिजली के बढ़े हुए बिलों से राहत दिलाएं। रामपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता श्री सम्राट दीक्षित मोंटी बना, संदीप सोनी प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्री मंगेश शंघाई, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल, रफी गागरिया, गुड्डू भाई सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शीशी का फूल माला पहनाकर जोरदार ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया। सर, ये ऊर्जा मंत्री आए थे जो आज कुछ रामपुरा के अंदर, क्या प्रोग्राम था? माननीय प्रियव्रत सिंह जी जो है पूर्व ऊर्जा मंत्री, आज जो है युवा संवाद कार्यक्रम के संबंध में नीमच पधार रहे थे और उसी तारतम्य में वो रामपुरा में पधारे थे। और रामपुरा आने के बाद में उनको जनसामान्य ने अपनी शिकायत बताई है कि बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 रुपये में जो है 100 यूनिट बिजली मिलती थी, इंदिरा ज्योति योजना लागू थी। और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, भाजपा की सरकार ने आम जन की कमर तोड़ दी है और बिजली के भारी भरकम बिल उनने देना जो चालू कर दिए। और इस महंगाई की वजह, महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी को लेकर जो है माननीय पूर्व मंत्री जी महाराज खिलचीपुर के पूर्व के वर्तमान विधायक जो है पधारे थे और उनने जनसामान्य से लेकर इस बात को लेकर चर्चा करी है। और जो आक्रोश है जनता में, उसके लिए उन्होंने आश्वस्त कराया है कि आगामी चुनाव में हम लोग जो हैं सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, ये काफ़ी टाइम के बाद में कांग्रेस एकजुट होती हुई नज़र आ रही है, तो आज कुछ प्रोग्राम था क्या? कांग्रेस का हमेशा एकजुट है और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शंखनाद करने के लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती के विरोध में आज हमारे पूर्व मंत्री और खिलचीपुर के वर्तमान विधायक महाराजा प्रियव्रत सिंह जी नीमच जिले के दौरे पर हैं, जो गांधी भवन में युवाओं से मुखातिब होंगे और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शंखनाद करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रियव्रत सिंह जी का दौरा रावलीगुड़ी, बूझ, देसला, मजीरिया, रामपुरा में कांग्रेस जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अब वह मनासा में, कुड़ेश्वर में उनका स्वागत रहेगा और उसके बाद नीमच कार्यक्रम है, उसमें उनका आगमन है। सर, ये आप कह रहे हैं कि इतने बड़े मंत्री आए, बाकी आपके बिरा कांग्रेस अध्यक्ष जी नज़र नहीं आए, यहाँ पे क्या बात है? अभी शादी का सीजन चल रहा है, हो सकता है कि शादी के कार्यक्रम में वो कहीं व्यस्त हों और नहीं आ पाए, लेकिन सभी कांग्रेस यहाँ एकजुट है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और उन्होंने सभी ने मिलकर यहाँ भव्य स्वागत हमारे पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह जी का किया है। सर, आपका नाम? संदीप सोनी। कांग्रेस में आपकी कुछ हो रही?